नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों चलिए मैं आज आपको बातें बताने वाला हूँ रिमोट के बारे में। दोस्तों हमारे घर में टीवी होता है, एसी होता है या एचटीवी होता है, उसके अलग अलग रिमोट होती है, होम थिएटर में अलग अलग तरीके में रिमोट होते हैं, उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए ये हमारा जो रिमोट होता है नॉर्मल, ये मैं एक एचटीवी का रिमोट ले रखा है और एक ये मैंने एक एसी का रिमोट ले रखा है आपके सामने। दोस्तों कई बार होता क्या है, हमें वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है अगर वो रिमोट या कुछ भी चीज़, तो हम उसको कैसे पता लगाएं कि रिमोट ख़राब है या टीवी ख़राब है या एसी का सेंसर काम नहीं कर रहा है या आपके रिमोट का सेंसर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आपका रिमोट ख़राब है या फिर टीवी ख़राब है। तो दोस्तों इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो होती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। दोस्तों इंफ्रारेड क्या होती है, जो इस इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती है इनको हमारी आंखें नहीं देख सकती, आप अपनी नंगी आंखों से इंफ्रारेड रेज को नहीं देख सकते। जैसे हम रिमोट को दबाते हैं तो हमारे रिमोट के आगे एक सेंसर लगा होता है, एक LED जैसा करके, किसी किसी रिमोट में वो दिखाई भी देता है और किसी किसी रिमोट में वो नहीं दिखाई देता, उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है और उसी से ही वो जो टीवी या HTV के अंदर एक सेंसर लगा होता है जिससे कि वो सेंस करता है और वो काम करता है। तो दोस्तों इंफ्रारेड रेडिएशन हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दोस्तों देखिए जिस तरीके से मैं जो कैमरे के अंदर जो वीडियो बना रहा हूँ, दोस्तों ये देखिए ये मेरे हाथ में एक रिमोट है, आप इसमें देख पाएंगे, देखिए इसमें एक लाइट, देखिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, देखिए दोस्तों इसमें देखिए लाइट जल रही है, ये देखिए आप इसमें ब्लिंक ब्लिंक करते हुए आप देख पाएंगे, देखिए ये एसी का रिमोट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिमोट ख़राब है या नहीं है ख़राब। इसके अंदर के सेल, अगर आपका रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप कोई भी अपने घर में आपके कोई भी मोबाइल रखा है उसका आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और उसमें चल के इस तरीके से आप बटन को पुश करोगे तो उसके सामने जो सेंसर लगा होगा दोस्तों उसमें इस तरीके की लाइट आपको दिखाई देगी। तो बस अगर वो लाइट आ रही है तो दोस्तों आपका जो रिमोट है वो ठीक से काम कर रहा है, आपको उसके सेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कितनी अच्छी लगी, कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आपने फीडबैक को प्लीज़ कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।